Good morning, students, teachers, and parents. This is Vikas Bharadwaj, Sports PTI of St. Joseph School. On the occasion of International Yoga Day, I'm going to demonstrate some yoga exercise for your daily healthy life. Do it properly in guidance of your parents, teachers, and stay fit. Thank you. Students, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबके लिए हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इस वजह से आपका जो ग्रोइंग एज है उसमें आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो, इसके लिए आपको डेली रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो है एक ताड़ासना, इसको शामिल करना चाहिए। ये आपके हाइट को इम्प्रूव करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो ये करना कैसे है? सबसे पहले इसके लिए हमें एक प्लेन सरफेस चूज़ करना है जिस पे आप इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर सकें। इसके लिए अपने पैरों को ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा नज़दीक एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। इसमें दो वेरिएशन है। एक वेरिएशन में है आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खुले हुए लेकर के जाते हैं, दूसरे वेरिएशन में क्या करना है आप अपने हाथ को जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं। तो हम एक वेरिएशन आपको करके दिखाते हैं। इसमें करना क्या है कि जैसे जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं यानी अपने सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, तो अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है और होल्ड करना है कम से कम 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उसके बाद ब्रीथ आउट करना है। फॉर एग्जांपल, सेकेंड वेरिएशन, एक्सरसाइज है शीर्षासन। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के लिए शीर्षासन बहुत ही एक फन का विषय है जो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो बच्चे अक्सर इसे अपने घर के बेडरूम में, अपने लॉन वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेफ्टी मेजर्स को अपना मेंटेन रखना है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी गाइडलाइंस को आप अपने पेरेंट्स के देखरेख में करें, जितना हो उतना ही करें। इसको होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड के लिए। अब हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी के लिए डेली लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है और हेल्दी रूटीन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसे करना कैसे है, ध्यान में ये रखना है कि कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, वार्म करना है, ताकि आपका बॉडी उस एक्सरसाइज के लिए, उस वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाए। इसमें मैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। नंबर वन में क्या करना है कि अपने नोज को एज यूजुअल अपने थाइज में टच कराना है। इसमें आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट का जो पोर्शन है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ पर होल्ड करना है, उसके बाद वापस से अपने जगह पे आना है। पैरों को मोड़ना नहीं है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है। इसमें एक चीज़ और है, इसका एक वेरिएशन और है जिसे आप पीछे की तरफ से कर सकते हैं। पीछे की तरफ से कहने का मतलब है कि अपने बैक को, अपने बैक बोन को पीछे की तरफ बेंड करना और ऊपर की तरफ देखना। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को चक्कर आने का समस्या है वो इससे निजात मिलता है इस एक्सरसाइज से। जैसे करना कैसे है, पैरों को थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, हाथ कमर पे और आँख खुली हुई रहेगी, ऊपर देखना है, इसके बाद बॉडी को बेंड करना है, वापस से जगह पे जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक एक्सरसाइज को करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैठ के। बैठ के कैसे करना है, इसके लिए ध्यान रखना है कि जो सरफेस है वो बराबर हो। पहले क्या करना है, अपने लेग्स को फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद
अपने हाथ से अपने पैरों को टच करना है, कोशिश करना है अपने नोज को अपने नीज में टच करना है, जहाँ तक हो वहीं तक करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं तो आपको बैक इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और होल्ड जहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं वहीं तक होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड का होल्ड करना है, उसके बाद वापस से अपने पोजिशन में आ जाना है। इसके साथ हम लोग वज्रासन इंक्लूड कर सकते हैं। ये जैसा कि पता होगा कि वज्रासन एक ऐसा योगा एक्सरसाइज है जिसे हम लोग खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, और आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, आपके लेग्स को मजबूत करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को बकासना करना बहुत ही पसंद होता है, डेली रूटीन में वो ये सब एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं, तो इसको एक प्रोफेशनल वे में हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आगे की ओर बॉडी ना जाए, जिससे कि आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, इसका सावधानी रखें। जो आप सरफेस चूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हार्ड ना हो, बॉडी को ऊपर एयर में होल्ड करके रखना है। इससे ये भी आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन में अच्छे से पहुंच पाता है। ठीक है, थैंक यू।